हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर टू की एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर वन के फिफ्थ से लेकर सेवेंथ पार्ट तक सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स फाइंड, और फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है 0.05 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी हमें 0.05 को मल्टीप्लाई करके दिखाना है 7 के साथ। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम इस डेसिमल को यहां से हटा देंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जब हम इस डेसिमल को यहां से हटाएंगे तो हमें मिलेगा 5। देखिए यहां से 5 बचा, और 5 के लेफ्ट में जो है 0 है, इसको यहां पर लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0.05 लिखे या 5 लिखे उसका मतलब 5 ही होता है। तो 5 और अपॉन में क्या आ गया 100। देखिए यहां पर अगर आप राइट से चेक करेंगे तो दो डिजिट के बाद डेसिमल है, तो जब दो डिजिट के बाद डेसिमल होता है और आप उस डेसिमल को हटाते हैं तो अपॉन में 100 आ जाता है। मल्टीप्लाई बाय 7 यहां पर एज इट इज आ गया। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो यहां न्यूमरेटर में 5 है और यहां पर 7 है, तो 5 × 7 35 होता है। तो यहां पर न्यूमरेटर में 35 आ गया, यहां डिनोमिनेटर में 100 है, यहां डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1 है, 100 × 1 100 होता है, तो यहां पर डिनोमिनेटर में 100 आ गया। तो अब हमें मिल गया है 35/100। अब हम 35 को डिवाइड करेंगे 100 से। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर डिनोमिनेटर में 2 जीरो हैं, तो हम ये 2 जीरो यहां से हटाएंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहां पर है। न्यूमरेटर में लिखा है 35, तो यहां कहीं डेसिमल नहीं दिख रहा, तो जब कहीं डेसिमल नहीं होता तो यहां लास्ट में डेसिमल होता है, और जब हम डिनोमिनेटर से 2 जीरो हटाएंगे तो ये डेसिमल यहां से 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहां पर आ जाएगा। तो देखिए ये 35 हमने एज इट इज लिखा, और जो डेसिमल यहां पर था लास्ट में वो यहां से 2 डिजिट शिफ्ट होकर यहां पर आ गया, और डेसिमल के लेफ्ट में आप ये 0 लिखकर दिखा सकते हैं। तो जब हमने 0.05 को मल्टीप्लाई किया 7 से तो हमें फाइनली आंसर मिल गया है 0.35। अब हम सिक्स्थ पार्ट को सोल्व करेंगे। सिक्स्थ पार्ट में हमें दिया गया है 211.02 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है 211.02 मल्टीप्लाई बाय 4। अब हम इस डेसिमल को यहां से हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 21102, और जैसे हमने ये डेसिमल हटाया तो अपॉन में आ जाएगा 100। देखिए यहां पर राइट से अगर आप चेक करें तो दो डिजिट के बाद डेसिमल है, तो जब दो डिजिट के बाद डेसिमल होता है और आप वो डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 100 आता है। मल्टीप्लाई बाय 4 यहां पर एज इट इज आ गया। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यहां पर न्यूमरेटर में है 21102 और यहां न्यूमरेटर में है 4, तो जब आप 21102 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो यहां न्यूमरेटर में आ जाएगा 84408, और अपॉन में देखिए यहां पर 100 है, यहां अपॉन में कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1 है, तो 100 × 100 होता है, तो यहां पर अपॉन में 100 आ गया। तो हमें मिल गया है 84408/100। अब हम 84408 को डिवाइड करेंगे 100 से। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर डिनोमिनेटर में 2 जीरो हैं, तो हम ये 2 जीरो यहां से हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहां पर है। तो न्यूमरेटर में हमें दिख रहा है 84408, लेकिन डेसिमल कहीं नहीं है, तो जब डेसिमल कहीं ना हो तो डेसिमल यहां लास्ट में होता है। तो जब हम डिनोमिनेटर से 2 जीरो हटाएंगे तो ये डेसिमल जो यहां लास्ट में है ये 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहां पर आ जाएगा। तो यहां हमने लिखा 84408, और ये जो डेसिमल यहां पर था ये 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहां पर आ गया, तो हमें आंसर मिल गया है 84.08। तो जब हमने 211.02 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो हमें आंसर मिला 844.08। अब हम सेवेंथ पार्ट को सोल्व करेंगे। सेवेंथ पार्ट में हमें दिया गया है 2 × 0.86, हमें 2 को मल्टीप्लाई करना है 0.86 से। तो इसके सॉल्यूशन में पहले तो हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है 2 × 0.86। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई का साइन भी एज इट इज आ गया, यहां से हम इस डेसिमल को हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा 86, और अपॉन में आएगा 100, क्योंकि यहां पर अगर आप राइट से चेक करें तो 2 डिजिट के बाद ये डेसिमल था, तो जब 2 डिजिट के बाद डेसिमल होता है और आप उस डेसिमल को हटाते हैं तो अपॉन में 100 आता है। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो यहां न्यूमरेटर में 2 है, यहां पर 86 है,
जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 86 से, तो यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा 172, और यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 है और यहाँ पर 100 है। 1 × 100 100 होता है, तो यहाँ अपॉन में आ गया 100। तो अब हमें मिल गया है 172/100। अब हम 172 को डिवाइड करेंगे 100 से। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिनोमिनेटर में दो जीरो हैं, हम इन दोनों जीरो को यहाँ से हटा देंगे और चेक करेंगे न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। न्यूमरेटर में है 172, तो जब डेसिमल कहीं ना दिखे तो डेसिमल यहाँ लास्ट में होता है। तो जब डिनोमिनेटर से हमने दो जीरो हटाई, तो ये डेसिमल जो यहाँ पर है, ये दो डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ हमने लिखा 172, और ये जो डेसिमल यहाँ पर था, ये दो डिजिट लेफ्ट की तरफ यहाँ शिफ्ट हो गया और हमें आंसर मिल गया 1.72। तो जब हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 0.86 से, तो हमें आंसर मिला है 1.72। आई होप स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।